नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। उमरिया जिले में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा ध्वजारोहण करते हुए मुख्यमंत्री का संदेश वाचन किया गया, जहां इस अवसर पर जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारियों सहित गणमान्य नागरिकों और छात्र छात्राएं कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहे एवं आज इस अवसर पर स्टेडियम ग्राउंड में स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति दी गई। वहीं संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया, जहां छात्र छात्राओं के अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें भी पुरस्कृत किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं एवं अन्य लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं उच्च स्तर का भव्य परेड संचालन किया गया, जिसके लिए मैं परेड में सम्मिलित सभी अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बधाई देता हूं एवं उमरिया जिले वासियों को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो 75वां स्वतंत्रता दिवस था हमारा, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हमारी, पूरे देश में बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है और तो हम ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो आज़ाद हुए हैं, ये आसानी से आज़ादी हमें नहीं मिली है, उसके महत्व को हमें समझना है और उसी उपलक्ष्य में घर घर तिरंगा जो कार्यक्रम रखा गया है वो अपने तिरंगे के सम्मान के लिए, जिसने हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया है, विभिन्न प्रकार की रैलियां की हैं। आज एनसीसी गाइड और कल्चरल प्रोग्राम हमने इस स्टेडियम में दिया और सारे बच्चों ने उत्साहित होकर इस कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर 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 घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर एक गली हर एक मोहल्ले में तिरंगे की शान को लहराया जा रहा है, जिसके कारण हमारे युवाओं में एक जोश की क्रांति दौड़ पड़ी है। हम जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र इस आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर अपना एक योगदान दे रहे हैं। हमने अपने स्कूल से एनसीसी की परेड, स्काउट परेड एवं बैंड दल का सहयोग देकर इस महोत्सव में अपने स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन उमरिया में किया गया और उसमें एक बहुत ही उच्च स्तर का और भव्य परेड का संचालन भी किया गया, जिसके लिए मैं परेड में सम्मिलित सभी अधिकारियों सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उमरिया के सभी निवासियों को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। संगमय मेला में आज सबका रोम रोम उत्साह ऊर्जा उल्लास और उमंग से भरा हुआ है। होते हैं बलिदान कई, जब देश खड़ा होता है अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। हमें किसी से उपहार नहीं मिला है, इसके लिए न जाने कितने भारतवासियों ने सीने पर गोली खाई थी, न जाने कितने सेनानियों ने देश की खातिर फांसी के फंदे को चूमा था। दिया मांगे बाकी, बाकी मांगे तेल, सुराज दे वो अंग्रेज, कटका देवे जेल। दीपक बाकी मांगता है, बाकी तेल मांगती है अरे अंग्रेज, हम स्वराज लेकर ही रहेंगे चाहे तुम हमें कितनी ही बार जेल में डालो। ऐसे गीतों की गूंज के साथ विदेशी आक्रांताओं की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए गांधी के द्वारा धड़क रही थी। धन्य है वे महान सपूत जिन्होंने अपने रक्त की अंतिम बूंद भी माँ भारती के पैरों से पराधीनता की जड़ियां काटने के लिए समर्पित कर दी। मैं प्रदेश के जन जन की ओर से आज़ादी के दीवाने अमर शहीदों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तिरंगा भारत की आन बान शान का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में एक अभूतपूर्व माहौल बना है। प्रदेश की हर गली हर घर हर प्रतिष्ठान हर मोहल्ला तिरंगामय होकर देशभक्ति के रंग में रंग गया है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भरे ही। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।